तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू अनदर ब्रांड न्यू GTA 5 गेम प्ले। तो गाइस यहां पर देखो आप लोग, तुम्हारे भाई ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। तुम्हारा भाई यहां पर पेंटिंग सेल्स करता है, पेंटिंग सेल करता है। यार मैं भी कितना वियर्ड साउंड करता हूं सेमी। तो गाइस यार देखो, तुम्हारे भाई ने यहां पर पेंटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। यहां पर इतनी लाखों करोड़ों की पेंटिंग्स है और तुम्हारे भाई ने सारी परचेज कर ली और इनको भाई अब तुम्हारा भाई महंगे दाम में बेचेगा। अरे सेमी भैया, बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस यार देख रहे हो यार, कितनी सारी पेंटिंग्स यार, एक से एक बिल्कुल कलाकारों ने बना के दिए पेंटिंग्स। और एक और बात बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर मेरे पास जॉर्डन की भी पेंटिंग्स है। और आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, आखिर मैंने यहाँ पर क्यों रखी सारी पेंटिंग, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी और की जमीन के ऊपर ये सारी पेंटिंग्स रखूँ या किसी का स्टोर लूँ, क्योंकि मेरे को किराया नहीं देने था, इसलिए यार मैंने अपने घर पर ही रख ली सारी चीज़ें। हाँ समित भैया, अपने घर पर ही कर लेंगे सारी चीज़ें। पर यार अभी हमारे पास एक भी कैश काउंटर नहीं है, टेबल होती है जिसके ऊपर पैसा रखते हैं, वो नहीं है यार हमारे पास। मैं सोच रहा हूँ ये जगह जो खाली है यहाँ पर रख लूँगा उसे। तो फिलहाल मैं जा रहा हूं वो टेबल लेने के लिए। सिंचन तू ध्यान रखियो पेंटिंग्स की। ओके तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं जल्दी से एक बढ़िया वाली काउंटर खरीदने, भाई पैसे कमाऊंगा बहुत सारे। और दोस्तों क्या हालचाल, आप लोगों का पाद मार रहे हो ना मेरी तरह ढिचक ढिचक वाले। चलो गाइस यार एक काम करता हूं, थोड़ी देर अपने दोस्तों के पास चला जाता हूं, कौन सा कोई पेंटिंग को लेके जाएगा। चलो गाइस यार चलता हूं मेरे दोस्तों के पास। ओए लिटिल सिंगम, ओए बंदर के जंदर कैसा है? अरे सिंचन तू कैसे? अरे मैं बढ़िया, और बंदर तू बता? अब मैं भी बढ़िया, तू बता। अरे यार ये गाड़ी किसकी है? अरे मैंने खरीदी नहीं। क्या तू बंदर, ये गाड़ी तूने खरीदी है? अरे सिंचन के घूमने चलेगा। क्या घूमने चलोगे? हाँ चलो यार, मेरे पास वैसे कुछ करने के लिए है नहीं, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, हम लोग घूमने ही चलते हैं। मैं चलाऊंगा गाड़ी। अरे तू चला ले चल। अरे यार मैं नहीं चलाने दूंगा मेरी गाड़ी, अगर ठोक दी तो कहीं पर इसने। अरे नहीं ठोकूंगा ना जब, यार बंदर तू मेरा दोस्त है, तुझे पता है ना कितनी खतरनाक वाली ड्राइविंग है मेरी। चलो बैठोगे जल्दी इस गाड़ी के अंदर, लेट्स गो। ओ गाइस यार हम लोग घूमने जा रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ बारबी देखने चलते हैं, बारबी। अरे हाँ यार मैं भी बारबी नहीं देख के आया। हाँ बारबी नहीं देखेंगे अपा लोग, तो वो खतरनाक वाली बॉम्ब वाली देखेंगे। अरे तू छोड़ना, बारबी देखेंगे, लेट्स गो गाइस घूमने चलते हैं, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। ओ बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। अरे बंदर एक बात बता, तेरे पास ये गाड़ी आई कहाँ से? अरे मैंने पापा ने दिलाई है, पैसे दिए गाड़ी के, इसलिए आई है। अरे हाँ ठीक है, तुम लोगों के पास पैसे कहाँ से आ गए, तुम लोग तो जंगली जानवर हो। अरे मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये महिला, अपन की तो सारी प्रॉपर्टी खराब हो गई यार, पैसा ही नहीं है यार। जमाइला, अरे यार ये क्या है सामने, कुछ खतरनाक लगता है ब्रो। माशाल्लाह बद्दी है गाइस, देख रहे हो क्या? यहाँ पर तो लगता है बहुत ज़्यादा महंगी पेंटिंग्स है भाई, देखने में तो करोड़ों की पेंटिंग लगती है। कोई है क्या? हेलो, लगता है कोई है भी नहीं यहाँ पर, अपने भाई को बुला के लाता हूँ, यही मौका है चुराने का। जय माइला। ओ सच बोल, वहाँ पर पेंटिंग है ना? हाँ भैया मैं झूठ क्यों बोलूंगा। यह महिला देखो, ये रही पेंटिंग्स। ओ तू तो सही बोल रहा था पिल्लू, यहाँ पर तो बहुत सारी पेंटिंग्स है। यह महिला भैया, इन सभी पेंटिंग्स को देख के हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। ओ सही कह रहा है पिल्लू, बहुत पैसा आएगा। हाँ भैया आ जाओ, जल्दी जल्दी सारी पेंटिंग उठाओ और डालो इनको जल्दी से, इससे पहले इसका मालिक आ जाए। ओके तो गाइस यार फाइनल मुझे एकदम खतरनाक वाली टेबल मिल चुकी है यार, देख रहे हो इसके ऊपर मस्त वाला काउंटर बनेगा और भाई बहुत सारे पैसे कमाने वाला है तुम्हारा भाई। ओके चलो गाइस, सिंचन आ गया काउंटर। अबे ये क्या चल रहा है यहाँ पर? अबे ये कौन है? अबे रुक साले, अबे कौन है तुम लोग? हट तेरी एस्तेजी। क्या महिला, अरे लगता है इसका मालिक आ गया। ओ यही लगता है। अबे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? तेरी ऐसी चोर हो तुम लोग, मुझे पता है भाई साहब, ये असल में बंदर चोर है, इन्होंने मास्क लगा के चोरी करते हैं ये लोग। गाइस यार ये मेरी पेंटिंग चुराने वाले थे, बच गया भाई, बार बार आ गया वो तुम्हें टाइम पर। एक सेकंड, ये सिंचन का बच्चा कहाँ चला गया? उसको बोला था यहाँ की यार सिक्योरिटी करने के लिए। भाई यार ये तो एक नंबर का, इसके ऊपर तो कुछ छोड़ ही नहीं सकता मैं। हाँ तुम लोग बताओ क्या क्या चुराए यहाँ से? कुछ नहीं चुराया। जमाइला कुछ नहीं चुराया। अम्बे तो यार चोर लुटेरे ऐसे ही आ जाते हैं, आगे से अगर मेरे घर के पास दिख गए ना तो पहली बता रहा हूँ इसी गोली से तुम्हारी मथे बजा दूंगा, समझ गए? ठीक है हम लोग नहीं आएंगे। ओ गाइस यार मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, थोड़ी दूर में बस हम पहुँचने वाले हैं। अरे सिंचन यार तू तो मस्त गाड़ी चलाता है। अरे यार लिटिल सिंगम तू मेरे को कम मत समझा कर, मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ। और तो चलो गाइस यार हम लोग पहुँच गए यहाँ पर, देख रहे हो यार खतरनाक जीगा आ गए हम लोग। चलो अब जल्दी जाके बार भी देखते हैं। ओ बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। अरे गाइस यार मैं तो भूल गया एक चीज।
अरे क्या हो गया सिंचन? अरे यार सुमित भैया ने मेरे को काम दिया था, मुझे वो काम करने तो वन सुमित भैया मारेंगे, मैं सिक्योरिटी करने आया था वहाँ पर, भूल गया मैं तो। अरे किसी को खतरनाक वाली पेंटिंग खरीदनी है तो सुमित भैया के घर पर आ जाओ, पहाड़ों के अंदर सुमित भैया बेच रहे हैं करोड़ों की पेंटिंग, सबसे महंगी वाली। भाई कहाँ पर? अरे सुमित भैया के घर पर आ जाना, करोड़ों वाली पेंटिंग बेच रहे हम लोग, जल्दी आ जाओ सभी के सभी लोग। अरे सिंचन क्या कर रही है तू? अरे मुझे मेरा काम करने दो, हम तो अपना बिजनेस बना रहे थे। आ जाओ सभी लोग आ जाओ, करोड़पति करोड़पति, बहुत सारी महंगी महंगी पेंटिंग्स ले लो पेंटिंग। अरे सिंचन वो पेंटिंग होता है? हाँ मतलब पेंटिंग ले लो। ओ गाइस यार बच गया भाई, बार बार सारी पेंटिंग्स मैंने फाइनली वापस रखवा ली उन चोरों को, भाई पुलिस बुला ली और खत्म करवा दिया उनको, समझ रहे हो ना। और गाइस बस यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा है यार पेंटिंग खरीदने के लिए, यार मैंने इतना बड़ा लोन लिया यार बैंक से, पेंटिंग्स खरीदी है पर कोई आ ही नहीं रहा यार पेंटिंग खरीदने, यार क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा यार मेरे को। ओ सुमित। अरे क्या हो गया अंकल जी? वो लिटिल सिंगम देखा क्या तूने? अरे नहीं नहीं यानी आया लिटिल सिंगम, वो पता नहीं वो मेरी गाड़ी लेके गया हुआ है पागल कहीं का। अबे ये क्या कोई नया बिजनेस शुरू किया आके बेटा तूने? हाँ अंकल नया बिजनेस शुरू किया। ओ बेटे क्या मस्त मस्त पेंटिंग है रे, मस्त बढ़िया लग रही है सारी की सारी। अरे अंकल काफी सारे पैसे इन्वेस्ट किए मैंने पेंटिंग्स के ऊपर। ओ बेटे अपने अंकल को तो डिस्काउंट देगा ना? अरे अंकल यार पहले ही कोई खरीदी नहीं हो रही, आप कह रहे हो आपको डिस्काउंट दे दूं। और ये ओरियो वाली तो मेरे को दे दिया, मेरे को ओरियो बिस्कुट तो बहुत ज्यादा पसंद है। ओ चले गाइस यार मुझे तो डर लग रहा है सुमित भैया क्या करेंगे, मारेंगे मेरे को यार, क्या पता क्या हुआ होगा, मैं तो भूल गया था मेरे को पेंटिंग की सिक्योरिटी करनी थी। गाइस यार मैं सही में एक नंबर का भुलक्कड़ हूं, पागल हूं यार मैं तो सही में। चलो यार जल्दी से चलता हूं। अरे 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 सुमित भैया देखो मैं आ गया। ओए सिंचन के बच्चे कहां गया था तू? अरे सुमित भैया वो असल में मैं मूवी देखने चला गया था, पर मैंने अपना काम बखूबी किया, मैंने बहुत ही खतरनाक वाला काम किया है। क्या काम किया तूने खतरनाक वाला? अरे सुनले बस क्या ही बताऊं बहुत ज्यादा। ओए तुम लोग इसके साथ गए थे लिटिल सिंगम और मोटा भालू? अरे सुन वो बंदर है। हाँ जो भी कुछ है बंदर कहीं का, मेरे भाई को बिगाड़ रहे तुम लोग हैं, निकलो यहाँ से। अरे सुन दे उनकी कोई गलती नहीं है। और हाँ भूल गया गलती तेरी नहीं है, अबे गलती इनकी भी नहीं तेरी है, गलती मेरी है, मैंने जो तेरे ऊपर विश्वास किया। पता है ये पेंटिंग चोरी होते होते बची बार बार, वो तो मैं सही टाइम पे आ गया। अरे सुमित भैया प्लीज माफ कर दो मेरे को, भाई चोर आ गए थे पेंटिंग रख भी ली थी ट्रक के अंदर, बस तो वो सही वक्त पे पहुंच गया मैं, वरना पेंटिंग चोरी हो जाती यार। अरे सुमित यार सॉरी यार गलती हो गई मुझसे। हाँ और लिटिल सिंगम तेरा बाप आया था यहाँ पर क्या? मेरे पापा आए थे। हाँ वो तेरे को ढूंढ रहे थे। वो और लिटिल सिंगम की आवाज, एक सेकंड। अरे पापा आप ये क्या कर रहे? ओए तू गाड़ी लेके किससे पूछ के गया? तेरी एसटीसी गाड़ी लेके चला गया तू बिला बंदर, तू बहुत बिगाड़ रहा मेरे बेटे को। अरे पापा हमारा दोस्त है। मेरी गलती नहीं है। वो आगे से मेरे बेटे के पास मत आ जाओ बंदर, ठीक है ना? अंकल ये आपकी गाड़ी है क्या? हाँ वो मेरी गाड़ी है। और सुमित एक काम कर यार, वो ओरियो वाली मेरे को दे दे यार पेंटिंग, पैसे पहुंचा दूंगा तेरे पास। बाय। मेरे को मारा पल तुम्हें, मेरी तो गलती भी नहीं थी कुछ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बाय, तुम लोग बहुत गंदे हो। अरे ये क्या, ये तो गाड़ी लेके जा रहा है। मेरी गाड़ी है, वो तो इसके पापा झूठ बोलते है, मेरी गाड़ी के ऊपर दादागिरी दिखाता है, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बाय लिटिल सिंगम। अरे मेरे दोस्त मत जा मुझे छोड़कर। अरे सुमित भैया तुम्हारे पीछे देखो कितने सारे कस्टमर्स आ गए खरीदने के लिए पेंटिंग। क्यों बकवास कर रहा है? अरे सुमित देखो तो एक बार कहाँ है। अरे मैया गाइस यार कितने सारे कस्टमर्स आ गए। सुमित भैया ये सब मैंने किया है, मैंने प्रचार किया लॉस सैंटोस के अंदर जाकर की पेंटिंग्स खरीद लो आकर। हाँ भाई साहब ले लो पेंटिंग। हाँ मुझे चाहिए। मुझे भी चाहिए, मुझे को भी चाहिए, हमको भी चाहिए। हाँ हाँ सबको मिलेगी सबको मिलेगी। गाइस ये और सारी की सारी पेंटिंग्स बिक गई और तुम लोग यहाँ पर पैसा देखो कितना इकट्ठा हो चुका है। अरे सिंधिया कमाल तो मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ। हाँ तेरा कमाल है, वो तक छुड़ जाती तो। अरे सिंधिया एक बार माफी मांग ली, बार बार उसी चीज को बोलोगे क्या? अब भाई तेरी वजह से पेंटिंग चुरती चुरती बची है, भाई ऐसे बोलूंगा मैं तो। सिंधिया तुम सही बहुत ज्यादा बुरे हो, बहुत ही ज्यादा बुरे हो। ओहो अरे सिंधिया तुमने खुद के कपड़े खरीद लिए, मेरे लिए नहीं दुआए। अब तो छोड़ना। तो गाइस यार देखो यहाँ पर इतना सारा एरोप्लेन, इतनी सारी गाड़ी और इतने सारे घर, और यहाँ देखो तुम्हारे भाई ने पैसे के इतने सारे गोल्ड बार्स खरीद लिए। अरे सुमित एक बात बताओ, तुम्हें बात नहीं करनी का मेरे से जो बार बार मुझे टक्कर मार रहे हो? अरे सिंचन ऐसा तो कोई बात नहीं है। हाँ सुमित भैया ऐसी ही बात है। ओ तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले भटके आए थे आज से सब्सक्राइब कर देना। और गाइस यार हम मिलेंगे इस कोई नई गेम प्ले में नई स्टोरी के साथ, जब तक लिए
सायोनारा। ओए मोटा पैसा है।